सो हेलो हेलो व्हाट्सअप, सभी को स्वागत है इसी के रिपोर्ट चैनल के बिल्कुल नया फ्रेंड स्टूडियो में। तो गाइस आज के आपको बताने वाला हूँ फ्री फायर के अंदर आप लोगों को कैरेक्टर के अंदर आप लोगों को और एक नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा, यानी कि क्रोनो कैरेक्टर आप लोगों को फिर से देखने को मिल जाएगा। यानी कि कैरेक्टर के अंदर आप लोग क्रोनो कैरेक्टर यहाँ पे ऐड कर दिया गया। तो गाइस मैं आप लोगों को आज के आपको बताने वाला हूँ क्रोनो कैरेक्टर का एबिलिटी क्या है, एक्चुअल में उसका कैरेक्टर का एबिलिटी क्या है, उसमें आप लोग कौन सा इस बार आप लोग को ऑलोक को टक्कर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, वो भी मैं आप लोग आज का वीडियो कन्फर्म कर दूंगा। तो काफी अच्छा कैरेक्टर होने वाला है, क्रोनो कैरेक्टर का काफी अच्छा एबिलिटी भी होने वाला है। तो गाइस आप भी जानना चाहते हैं इसका एबिलिटी क्या होने वाला है, तो वीडियो को फास्ट लास्ट तक वॉच करते रहना, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। तो गाइस ज्यादा बात के बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, सबसे अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, जो बाल वाला बेल आइकन का ऑप्शन देखने को मिलेगा उसको दबा के ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि फ्री फायर का हर एक लेटेस्ट वीडियो और ऐसे अपकमिंग इवेंट्स और अपडेट का भी हमारे चैनल पे आती रहती है। तो गाइस ज्यादा बात किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटा सा इंट्रो के बाद। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा क्रोनो कैरेक्टर एबिलिटी क्या है, एक्चुअल में उसका एबिलिटी क्या है और इस बार ऑलोक को टक्कर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं इसका कैरेक्टर का जो यहां पे एबिलिटी होने वाला है, काफी अच्छा कैरेक्टर का एबिलिटी होने वाला है। जैसे यहाँ पे ऑलोक का जो यहाँ पे स्किल रहता है उसमें आप लोग को एक बटन भी देखने को मिलता है, तो ऐसे आप लोग को ऑलोक का कैरेक्टर का जैसे आप लोग को क्रोनो कैरेक्टर में आप लोग को एक बटन देखने को मिलेगा, इसमें आप लोग को जैसे इसको क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ही आप लोग को जो क्रोनो कैरेक्टर जो यहाँ पे स्किल है वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो लेवल वन पे आप लोग कितना एबिलिटी यहाँ पे देगा ये मैं आप लोग को बता दूं, लेवल वन पे आप लोग को कितने परसेंट तक यहाँ पे आप लोग को स्किल देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोग को 4 सेकंड तक आप लोग इसका स्किल देख पाओगे। तो गाइस अभी मैं आप लोग को बता दूं इसका स्किल आप लोग क्या होने वाला है और इसमें आप लोग ऑलोक को क्या टक्कर दे पाएगा। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं ऑलोक को जैसे इसका एबिलिटी होने वाला है और यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो क्रोनो कैरेक्टर है इसका जो एबिलिटी आप लोग जैसे यूज करोगे, यूज करने के बाद ही सामने वाला कोई भी बंदा आपको डैमेज नहीं देगा, मतलब जो भी यहाँ पे बंदा आपको डैमेज देने के लिए जाएगा आप लोग को एक भी डैमेज यहाँ पे नहीं आएगा। और उसके बाद आप लोग मतलब ग्लोबल का बात करते हो, ग्लोबल जैसे आप लोग लगाते हो उसके बाद आप लोग सामने वाला बंदे को आप लोग यहाँ पे डैमेज अच्छे से नहीं दे पाते हो और सामने वाला बंदा भी आप लोग को डैमेज देता है, बट यहाँ पे कुछ अलग ही है। जैसे कि यहाँ पे उसका स्किल जैसे क्रोनो कैरेक्टर का यहाँ पे एबिलिटी यूज करेंगे, यूज करने के बाद क्या होगा आप लोग सामने वाला बंदे को यहाँ पे फुल डैमेज दे सकते हो और यहाँ पे उसका डैमेज भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। आपको जो मूवमेंट स्पीड है ना काफी अच्छा हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को 50% यहाँ पे 15% यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा मूवमेंट स्पीड, ठीक है, स्किल यूज करने के बाद। और यहाँ पे सामने वाला बंदे का बात करो तो सामने वाला बंदा आपका स्किल यहाँ पे तोड़ सकता है, ठीक है, आपको 6 से डैमेज यहाँ पे दे देगा, तो देने के बाद ही आपका स्किल यहाँ पे डैमेज हो जाए, डैमेज होने के बाद ही आपको डैमेज दे सकता है, इजीली होने वाला बंदा आपको डैमेज दे सकता है। तो काफी अच्छा एबिलिटी मेरे को लगा और लेवल वन पे आप लोग को कितना एबिलिटी देखने को मिलेगा मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूं, आप लोग करीबन 4 सेकंड तक आप लोग यहाँ पे एबिलिटी देखने को मिल जाए, ठीक है। उसके बाद जैसे इसका चार्ज होगा, चार्ज कितने परसेंट तक यहाँ पे मतलब कितना टाइम लेगा मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूं, करीबन आप लोगों को 50 सेकंड के अंदर ये चार्ज हो जाएगा, तो काफी अच्छा होने वाला है। तो सही में आप लोगों को बता दूं लेवल 6 पे आप लोगों को जाने के बाद आप लोगों को कितना डैमेज लगेगा और सामने वाला बंदे को आप लोग कितना डैमेज दे सकते हैं और ये मूवमेंट स्पीड आप लोगों को कितना ज्यादा मिलेगा और यहाँ पे उसका स्किल कितने टाइम तक रहेगा, उसमें आप लोग को कितना टाइम तक आप लोग को इसको चार्ज करना पड़ेगा वो मैं आप लोग को यहाँ पे कन्फर्म कर दूं। तो यहाँ पे सामने वाला बंदों को आप लोग सिर्फ उतना ही डैमेज दे सकते हो जितना डैमेज आप लोग दे पाओगे और उसके बाद यहाँ पे मूवमेंट से आप लोग को करीबन 30% यहाँ पे 30% ही आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी काफी ज्यादा आप लोग 30% तक मतलब आप लोग काफी ज्यादा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, मतलब स्किल जैसे यूज करें यूज करने के बाद ही आप लोग को मूवमेंट भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और सामने वाला बंदा जैसे आपको 6 से डैमेज यहाँ पे दे देगा, देने के बाद ही आपका स्किल यहाँ पे टूट जाएगा, यानी कि उसको डैमेज पड़ने अच्छा एबिलिटी होने वाला है। और मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं आप लोगों को कितने परसेंट तक यहाँ पे एबिलिटी देखने को मिलेगा, जैसे आप लोगों स्किल को यहाँ पे यूज करो, यूज करने के बाद आप लोगों को 6 लेवल तक लेके जाओगे तो आप लोग यहाँ पे 9 सेकंड तक आप लोग स्किल देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो काफी अच्छा होने वाला। और यहाँ पे चार्ज कितने टाइम तक रहेगा मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे 40 सेकंड तक यहाँ पे आप लोग चार्ज कर सकते हो, 40 सेकंड के अंदर यहाँ पे चार्ज हो जाएगा, होने के बाद ही आप लोग यहाँ पे स्किल को फिर से यूज कर सकते हो। तो गाइस आप लोग को ये कैरेक्टर का एबिलिटी कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, मेरे को तो काफी अच्छा लगा। तो गाइस अभी मैं आप लोग को बता दूं ऑलोक को यहाँ पे टक्कर देगा या नहीं देगा, तो भाई यहाँ पे 100% श्योर यहाँ पे ऑलोक को टक्कर दे देगा मेरे को ज्यादा लगता है और मेरे को तो काफी अच्छा है इसका एबिलिटी, ज्यादा मेरे को यही कैरेक्टर काफी अच्छा लगा, इसका स्किल काफी अच्छा है। और रोनाल्डो कैरेक्टर की बात करें तो रोनाल्डो कैरेक्टर यहाँ पे काफी अच्छा ही है और इसका ऑलोक कैरेक्टर भी काफी अच्छा है, पर यहाँ पे एक ऑलोक कैरेक्टर यहाँ पे नहीं टिक पाएगा क्रोनो कैरेक्टर के सामने, ठीक है, तो काफी अच्छा होने वाला है। तो गाइस अभी आप लोग को बता दूं ये आप लोग कौन सा इवेंट में देखने को मिलेगा, कब तक देखने को मिलेगा जो क्रोनो कैरेक्टर है,
तो यहाँ पे तो आप लोगों को कैरेक्टर के अंदर यहाँ पे ऐड तो कर दिया गया है। तो गाइस ये आप लोगों को कुछ ही दिन में, मतलब 2-3 दिनों के अंदर ही आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा कुछ इवेंट में। तो जैसे कौन सा इवेंट में देखने को होगा, इसे आप लोगों को फेटेड व्हील में देखने को बहुत ही ज्यादा चांस है। जैसे कि आप लोग के कैरेक्टर है वो भी आप लोगों को फेटेड व्हील में देखने को मिला था, इस बार आप लोगों को ये कैरेक्टर भी आप लोगों को फेटेड व्हील में देखने को मिल सकता है। तो बस आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आप लोग इस वीडियो में थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो करते हैं एक लाइक, अच्छा है और क्या करो जल्द सब्सक्राइब कर सकते हो, बगल वाला बेल आइकन का ऑप्शन देखने को मिलेगा उसको दबा के ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि फ्री फायर का हर एक लेटेस्ट वीडियो और ऐसे आप कहीं भी व्यस्त और अपडेट कर रहे हो चल पे आज के लिए, तब तक के लिए बाय।